के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए उम्मीदों से भरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के टैंक जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है। दम साधे बैठी दिल्ली को ये सांस देने वाली तस्वीर है। उस दिल्ली को आस देने वाली तस्वीर है जहां तमाम अस्पताल ऑक्सीजन इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। मरीज ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं और उनके अपने ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। अस्पतालों के SOS अलर्ट आ रहे हैं कि महज कुछ ही मिनटों का ऑक्सीजन बचा है। दिल्ली कैंट पर सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन के 4 टैंकर लेकर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची तो एक नई उम्मीद जगी। कोरोना के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए उम्मीदों से भरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है इसमें 4 जो बड़े बड़े टैंकर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। बकायदा इसमें ड्राइवर भी है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। जिंदल स्टील एंड पावर ने ये जो ऑक्सीजन है वो भिजवाई है और बकायदा इसमें लिखा भी हुआ है हमने मन में ठाना है सबकी जान बचाना है। तो ये बकायदा सुरक्षा के तहत ये जो एक्सप्रेस है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंची हुई है तकरीबन 4 बजे के लगभग दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर। रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आए ये 4 टैंकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए दिल्ली के तमाम अस्पतालों के लिए रवाना हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में ये 70 मीट्रिक टन बेशक राहत देंगे, लेकिन हकीकत में दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसे समझा जा सकता है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के बड़े उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी थी। करीब करीब उसके साथ ही केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में होगा, किसी भी उद्योग के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इससे पहले राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और केंद्र सरकार को ऑक्सीजन को लेकर जवाब देना है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोगों की सांसें बेवक्त थम गईं। 24 घंटे में 380 लोगों की रिकॉर्ड मौत केंद्र और दिल्ली सरकार के इंतजामों पर भी बहुत कुछ कहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।